तो मैं हूँ राम की पैड़ी। आप देख सकते हैं राम की पैड़ी का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है इस टाइम, और आप देख सकते हैं सेंसर भी लगाए गए हैं, और यहाँ पे आए दिन महोत्सव होते रहते हैं। आज तक के यहाँ पे मंच आए दिन इस टाइम लगाए जाते हैं, देख सकते हैं सामने। मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे शायद कोई न्यूज़ चैनल का ही स्टेज लगाया गया है। बाकी इस साइड हमें लगता है कि इस साइड भी कुछ कार्यक्रम था। अयोध्या महोत्सव कहाँ पे चल रहा है मुझे तो नहीं पता है, बाकी मैं ले चलता हूँ, आगे का अपडेट आपको देता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अयोध्या से, मेरा नाम है रवि शुक्ला, रवि शुक्ला UP42 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सिर्फ मैं कट्टर हिंदूवादियों से बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को इतना बूस्ट कर दीजिए, इतना आगे बढ़ा दीजिए कि जो भी मूल्य हैं वो सोचते रह जाएं कि हमारी अयोध्या कैसी है, कितने लोग अयोध्या को बढ़ा रहे हैं चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ राम की पैड़ी कैसे दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे आ गया हूँ, यहाँ से आपको जितने भक्त आए हैं वो भी देखने को मिलेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये शाम का टाइम है, बिल्कुल मैं टाइम बता दूं तो लगभग 3:30 से 4 बज गया है। देख सकते हैं अभी भी भक्त आते जा रहे हैं। और ये पानी की मैं बात करूं तो ये माँ सरजू नदी जो बगल में ही है वहाँ से ये पानी आता है। और इस साइड की मैं पहले पुरानी अयोध्या कैसे दिखाई देती थी और अब कैसे दिखाई दे रही है मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों इस टाइम की अयोध्या में कितना बदलाव हो चुका है, पहले की अपेक्षा अब कितनी अयोध्या बदल चुकी है। तो दोस्तों अगर आप जहाँ से भी देख रहे हैं तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो ये कहाँ तक जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों पुरानी अयोध्या, इसी को बोल सकते हैं पुरानी अयोध्या कैसे दिखाई देती, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट किया गया, इतना परिवर्तित कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई अयोध्या के पास आ गए हैं, कोई नई अयोध्या बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वही अयोध्या है, बस इसमें थोड़ा काम हो चुका है, काम इम्प्रूवमेंट किया गया है ताकि अयोध्या देखने में अच्छी लग सके। बाकी चलते हैं आपको सरजू माँ का नदी जो है उसका दर्शन करवाते हैं, उसका अपडेट देते हैं। बाकी देख सकते हैं ये राम की पैड़ी पे भी काम जोरों शोरों से चल रहा है। देख सकते हैं जो सीवर है, जो यानी एक तरीके से नाला बोल सकते हैं, इसका काम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। और इसे नाली क्यों बनाई जा रही है, जो यहाँ पर पानी का भराव हो जाएगा इसलिए बनाई जा रही कि ये पानी निकल सके। और मैं जो बात कर रहा था कि सरजू नदी से पानी आता है, माँ सरजू के नदी से, ये आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जो कि पानी बिल्कुल भव्य तरीके से निकल रहा है। अब आइए उस पार में चल के आपको वहाँ का अपडेट देता हूँ। तो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था मैं वहाँ आ चुका हूँ। आपको सरजू माँ के तट पर यानी सरजू माँ का बहाव है, देख सकते हैं नदी। और वहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जूम करके जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हवन करने के लिए कई सारे कुंड बन रहे हैं, वह उसका मैं स्पेशल वीडियो लेकर दूसरी वीडियो में आऊँगा, अभी टाइम नहीं है सॉरी। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा जब भी आप आएँगे। और आप देख सकते हैं इस साइड कुछ इस तरीके को दिखाई देता है। बाकी ले चलते हैं आपको, और एक बात और यहाँ पे बता दूं, आप लोग बोल रहे थे कि जो पानी आता है वो किस तरीके से आता है, कैसे आता है, आप देख सकते हैं कैसे जा रहा है, जो उस साइड को पानी निकल रहा है उस साइड, आप देख सकते हैं किस तरीके से जा रहा है। बाकी ले चलते हैं आपको और आगे का अपडेट देते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में रवि शुक्ला UP42 में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लाइटें लग चुकी है और किस तरीके से भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है।
ये है राम की पैड़ी और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे जो राम की पैड़ी पे पत्थर लगाए गए हैं उनमें फिनिशिंग देने का किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का या महल बोल सकते हैं या घर बोल सकते हैं, उसका उद्घाटन है। तो उससे पहले ये सारा काम कंप्लीट होना है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ फिनिशिंग दी जा रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही पलों में ये प्रोग्राम शायद जागरण हो सकता है, कुछ ही पलों में ये प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है। आप तो मैं बता दूं, बाकी ऊपर से एक बार यहाँ का व्यू दिखा आते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। अब आप लोगों से अनुमति चाहते हैं क्योंकि टाइमिंग हो गया है और मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं जय श्री राम लिख के और कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर उसमें ये अपना मेंशन करिएगा कि अयोध्या से देख रहे हैं, फैजाबाद से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं या बाराबंकी से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे होंगे तो उसमें मेंशन करिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। तो लेते हैं आप लोगों से अलविदा, जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम।